बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर सरकार फायर सेफ्टी कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसी विधानसभा सत्र में सरकार ये एक्ट का मसौदा पेश कर सकती है, मतलब प्रस्ताव पेश कर सकती है। कानून बनने के बाद लोगों को संपत्ति कर के साथ ही सेफ्टी फायर टैक्स भी देना होगा। नया टैक्स आने वाला है भाई साहब मध्य प्रदेश में। सरकार फायर सेफ्टी कानून लाने की तैयारी में है। इसी विधानसभा सत्र में सरकार इसका प्रस्ताव मतलब एक्ट का मसौदा पेश कर सकती है। कानून बनने के बाद लोगों को संपत्ति कर के साथ ही सेफ्टी फायर टैक्स भी देना होगा। मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी कानून लागू करने की तैयारी में है अब सरकार। फायर सेफ्टी टैक्स आखिर है क्या, समझ लेते हैं। एपिलेट अथॉरिटी बनेगी, प्रदेश स्तरीय फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आग की रोकथाम के लिए अलग से बजट होगा। हादसे में मरने वालों को मुआवजे का प्रावधान होगा। इसमें संपत्ति के मालिक से क्षतिपूर्ति की राशि वसूली होगी। पटाखा फैक्ट्री की जांच होगी। एक्शन का अधिकार होगा। भवन मालिक के लिए अग्निशमन सुरक्षा अनिवार्य होगी। भवन निर्माण के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम अनिवार्य होगा। जनता को देना होगा फायर सेफ्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही बतौर सरचार्ज फायर सेफ्टी टैक्स देना होगा। फायर सेफ्टी ना होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और सजा भी हो सकती है। और बड़े फायर ब्रिगेड वाहन खरीदने की तैयारी में है अब सरकार। क्यों जरूरत पड़ी है, सही बात है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, वो भी जान लीजिए। पहली बड़ी वजह हरदा में जो हादसा हुआ था, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, 13 की मौत हो गई थी। फायर सेफ्टी एक्ट होता तो हादसा शायद ना होता। दूसरी बड़ी वजह, सतपुड़ा भवन अग्निकांड की जांच कमेटी की सिफारिश है। आपको याद होगा यहां पर भी आग लग गई थी। जांच कमेटी ने फायर सेफ्टी एक्ट की सिफारिश की। फायर एंड सर्विसेज के लिए अलग से विभाग की बात कही गई। तीसरी बड़ी वजह, जबलपुर भोपाल के अस्पतालों में आग लग गई थी। आग से सेफ्टी के इंतजाम नहीं होने से आग लगी थी। घटनाओं के बाद एक्ट लागू करने की मांग की गई थी। अब ये एक्ट लागू हो जाएगा तो क्या बदलाव होगा, वो भी जान लेते हैं। आग की घटनाओं पर लगाम लगेगी कुछ हद तक। 2025 से एक्ट लागू किया जाएगा। एक्ट प्रभावी होने के बाद सुविधाएं भी बढ़ेंगी। आग की घटनाओं पर पीड़ितों को मुआवजा भी मिल पाएगा। लापरवाही बरतने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, सजा भी उनको होगी तत्काल ही। तहसील स्तर पर फायर स्टेशन खोले जाएंगे। फायर सेफ्टी डायरेक्टर की भी नियुक्ति होगी। अग्निशमन विशेषज्ञों को फायर ऑफिसर का प्रभाव मिलेगा। आग लगने पर अग्निशमन अधिकारी जांच भी करेंगे। कमी मिलने पर कार्रवाई का अधिकार उनके पास होगा। अग्निकांड में नुकसान की क्षतिपूर्ति मिलेगी। लोगों को आवेदन करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 30 दिन के अंदर फायर सेफ्टी एनओसी मिलेगी। दीपक द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। दीपक, एक अच्छी पहल करने की तैयारी में है सरकार, निश्चित तौर पर इससे फायदा जरूर होगा प्रदेश में। जी जरूर, इस जो आपने कहा कि प्रदेश का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा, और जो फायर को लेकर सेफ्टी एकत्रित करके रखेंगे, चाहे एक्सटिंग्विशर हो या अलग अलग मशीनरी हो, क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग उसके अनुसार उन्हें पूरे फायर की व्यवस्थाएं करना होगी। और एक अच्छा कदम नगरी प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा है कि फायर सेफ्टी एक्ट लाया जाए, और इसके चलते जो लोगों को दिक्कतें होती है आग लगने के बाद, क्योंकि खुद का घर तो जलता है पर वो फायर के सेफ्टी का कोई सामान न होने के कारण बड़ी बिल्डिंगों में दूसरी बिल्डिंगें भी चपेट में आती है और उससे दूसरे लोग भी पीड़ित होते हैं। अब वह जो यदि कोई लापरवाही बरतेगा तो अब उसे उसका मुआवजा देना होगा, जुर्माना देना होगा। इसके अलावा जो फायर में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनके लिए भी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि जो अलग एक्ट में प्रावधान रहेगा उन कर्मचारियों को लेकर, और हो सकता है कि उन्हें भी अलग अलग सुविधा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा जो धरातल पर काम करने वाले कर्मचारी या अन्य जो स्टाफ है इसमें, उन्हें भी सेफ्टी दी जाएगी, और जनता से सेफ्टी टैक्स के रूप में हो सकता है कि कुछ पैसा भी वसूला जा सके फायर को लेकर। तो एक अच्छा प्रावधान लेकर आ रहे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं मध्य प्रदेश की हो या अन्य पूरे देश भर की घटनाएं हैं, वहां पर जो फायर सेफ्टी न होने के कारण कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिलती है और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इसके चलते यदि यह सारी व्यवस्थाएं हर बिल्डिंग में होगी, हर मकान में होगी, हर बड़े संस्थानों में होगी, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं के समय हो सकता है समय रहते काबू पा लिया जाए।
पर जो जिस तरीके से देखिए प्लान तो अच्छा है, प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कभी कभी नया सोचती है सरकार, अच्छा करती भी है, लेकिन जो नया करती है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है, बस कागजों में ही रह जाता है। ये उम्मीद हम करते हैं कि नया एक्ट लाने की तैयारी है, टैक्स लाने की तैयारी है, जमीनी स्तर पर हकीकत में इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा, ये उम्मीद हम लगाए बैठे हैं दीपक। जी जरूर, ये उम्मीद जरूर है कि जो कागजों में है वो धरातल पर दिखाई दे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही, क्योंकि योजनाएं हो, चाहे एक्ट हो, चाहे प्रावधान हो, चाहे कानून हो, तमाम चीज़ें बना तो दी जाती है, पर उसका जमीन स्तर पर कितना उपयोग किया जाता है, क्योंकि तमाम प्रभाव पड़ते हैं, तमाम दबाव होते हैं, चाहे फायर के अधिकारी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, नए नए विशेषज्ञों को, पर उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, क्योंकि जब बड़ी संस्थानों में आग लगती है तो लगातार चाहे सत्ता में बैठे लोग हो, चाहे अधिकारी हो, उनका भी प्रेशर उन कर्मचारियों पर बनता हुआ नजर आता है, और जनता का भी एक अपना प्रेशर होता है, ये सब कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करता है, पर इससे उभर के काम करना होगा, इससे हट के काम करना होगा, तो यह एक्ट लाने का एक वजूद रहेगा, क्योंकि सिर्फ कागजों में ना रहे, वह धरातल पर दिखाई दे, और यह देखना होगा कि आखिरकार इस एक्ट के आने के बाद कितना परिवर्तन जो फायर से जुड़े लोग हैं उनके जीवन में भी हो पाता है, और जनता कितना इससे जागरूक हो पाती है। सुमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।